मोक्षमार्गशिनी तारं भेतारं कर्म भूवृतां ज्ञातारं विश्वतत्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। हम सभी लोग पंचम अध्याय पांचवा अध्याय देख रहे थे और जिसमें जो अजीव तत्व है अर्थात धर्म अधर्म आकाश पुद्गल इसके बारे में जो वर्णन है वो इसमें होगा। वैसे तो छह द्रव्यों का वर्णन इस पंचम अध्याय में हो रहा है। प्रारंभ अपन ने कल पहला सूत्र देखा था कि अजीव काय कौन कौन से हैं, धर्म अधर्म आकाश और काल, ये सब क्या हैं ऐसा सूत्र में नहीं आया था। तो इसके लिए आचार्य भवन आज स्वतंत्र रूप से दूसरा सूत्र दे रहे हैं। पहले सूत्र का उच्चारण करते हैं और फिर अर्थ समझ। द्रव्याणी इस प्रकार से यहाँ सूत्र का उच्चारण किया। अब इसका अर्थ बोर्ड के माध्यम से देखते हैं। पंचम अध्याय का सूत्र नंबर दूसरा लिखा है द्रव्याणी। क्या लिखा है? द्रव्याणी। देखिए यह बहुवचन में है, प्रथमा का बहुवचन द्रव्यम द्रव्ये द्रव्याणी। इसका मतलब हुआ कि द्रव्य एक नहीं है, द्रव्य बहुत हैं। ऊपर जो आपने कहा धर्म अधर्म आकाश और काल, धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल काल नहीं, तो ये जो चार द्रव्य ऊपर आपने कही हैं ये क्या हैं? तो आचार्य ने कहा द्रव्याणी, ये क्या हैं? द्रव्य हैं। यद्यपि काल द्रव्य भी द्रव्य है और जीव भी द्रव्य है, तो काल द्रव्य का वर्णन आचार्य भवन आगे करेंगे और इसके बाद जीव भी द्रव्य है, इसके आगे सूत्र आने वाला है उसको कहेंगे। तो अभी अपन इस सूत्र को समझते हैं जो यहाँ पर आचार्य भवन ने कहा है कि ऊपर आपने जो पहले सूत्र में बात कही है अजीव काया कि अजीव काय कौन कौन से हैं, धर्म अधर्म आकाश पुद्गल, तो ये क्या है? तो बोले द्रव्याणी, ये द्रव्य है। नमो सुमारश्री, द्रव्य किसको कहते हैं? द्रव्य शब्द जो है द्रु धातु से बना हुआ है, इसका अर्थ होता है प्राप्त होना। जो यथा योग अपनी अपनी पर्यायों को प्राप्त होता है या जो पर्यायों से प्राप्त होता है उसे द्रव्य कहते हैं। इस प्रकार से हर समय नवीन नवीन पर्यायों को जो प्राप्त होता है या पर्यायों के समूह को अथवा गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। जिसमें समस्त गुण पाए जाएं उसे द्रव्य कहते हैं। ये द्रव्य और गुण में आधार अधेय का संबंध बनता है और गुणों के जो समूह हैं प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण हैं, अनंत उनकी पर्याय हैं, उनके समूह को द्रव्य कहते हैं। आचार्य भगवान ने तो यही कहा है अपनी अपनी पर्यायों को प्राप्त जो होता है उसे द्रव्य कहते हैं। यहाँ देखिए लिखा है द्रव्य, जो द्रवणशीलता हो। क्या हो? द्रवणशीलता हो, जो प्रति समय पर्याय जिसमें उत्पन्न होती हैं वो द्रवणशीलता जिसमें हो और ध्रुवता भी हो। क्या हो? वह नित्य अनित्य दोनों धर्म को एक साथ रखने वाला हो। अनित्यता इस बात की कि प्रत्येक समय उसमें पर्याय उत्पन्न होती हैं और नित्य इस बात का कि वह पर्याय उत्पन्न होते हुए में भी वह उसकी जो ध्रुवता है वह अवस्था है वह नष्ट नहीं होती है। जैसे जीव है, जीव का जो चैतन्यपना है वो ध्रुव है, वो सदा ही रहेगा। ऐसे ही जो पुद्गल का जड़पना है वो ध्रुव है, वो सदा ही रहेगा। तो इस प्रकार से जो वस्तु में ध्रुवता होना, सत होना और उसमें प्रति समय उसकी जो अवस्था है वो बदलना, उसका नाम द्रव्य है। जगत का प्रत्येक पदार्थ द्रवणशीलता होकर भी ध्रुव है, इसलिए वह द्रव्य है। देखिए बनना, बिगड़ना और बने रहना, इसका नाम द्रव्य है। जो द्रवणशील होते हुए भी, उत्पाद वय जिसमें होते हुए भी उसकी ध्रुवता कभी नष्ट नहीं होती है, उसका नाम द्रव्य है। संसार में वही द्रव्य कहला सकता है जिसकी सत्ता है। जिसकी सत्ता नहीं है
वो द्रव्य नहीं कहला सकता है, असत कोई द्रव्य नहीं कहलाता है। तो परमाणु हो वह भी जड़ द्रव्य है, जीव हैं वह चेतन द्रव्य हैं। तो इस प्रकार से जो द्रव्य का अपना एक अस्तित्व होता है, उसका यही काम है प्रणमनशील होना, अपनी योग्यता से प्रणमनशील होना और प्रणमनशील होते हुए ध्रुव भी बना रहना। आचार्यों ने उदाहरण दिया है जैसे कुम्हार का चाक चल भी रहा है और नहीं भी चल रहा है। चल इस बात से रहा है कि प्रति समय घूम रहा है, और नहीं चल रहा है क्योंकि वो एक अपने ध्रुव में है, एक अपनी धुरा में है, वो अपनी धुरी से कहीं अलग नहीं है। तो एक धुरी में अपने स्थिर है, एक धुरी में स्थिर ना हो तो वो घूम भी ना पाए, तो अपनी धुरी में स्थिर है और बाकी घूम भी रहा है, तो चल भी रहा है और स्थिर भी है। ऐसे ही द्रव्य जो है ध्रुव भी है, अपने अस्तित्व को लिए हुए है और प्रति समय उसमें पर्यायों का प्रणमन हो रहा है। जैसे समुद्र है, समुद्र पूर्ण रूप से जो है वह ध्रुव मान लो, और उसमें प्रति समय होने वाली जो लहरें हैं वो उसकी पर्याय समझ लो। तो देखिए ध्रुव का कभी भी नाश नहीं होता है। अपने कपास है, कपास से अपन ने धागा बनाया, तो धागा कपास की एक नई पर्याय हो गई। लेकिन कपास और धागा में कॉमन एक कौन सी चीज है कि कपास भी जड़ है, निर्जीव है, और धागा भी कैसा है, निर्जीव है और जड़ है। तो ये कॉमन चीज हो गई, जो कॉमन है वह ध्रुव है। अनचेंजिबल जो है वो ध्रुव है, जो चेंजिबल है वो पर्याय है। धागा से शर्ट बन गया, वस्त्र बन गया, तो ये जो बना ये क्या हो गया, ये चेंजिबल हो गया, ये अवस्था हो गई। लेकिन उसमें रहने वाला जो जड़पना है वो स्थाई है, वो ध्रुव हो गया। जैसे मिट्टी से अपन अनेक प्रकार के बर्तन बनाते हैं, तो मिट्टी से जो बर्तन बन रहे हैं, मिट्टी पहले मिट्टी रूप में है, लौंदे रूप में है, उसको अपने घड़ा बना दिया, तो घड़ा बनना एक नई अवस्था है मिट्टी की, वो घड़ा एक पर्याय है द्रव्य की, ठीक है ना। लेकिन घड़े की मिट्टी और उस जो बिगड़ी हुई मिट्टी थी, उन दोनों में मिट्टीपना तो दोनों एक ही है, अलग नहीं है। तो इस अपेक्षा से मिट्टी ध्रुव हो गई और मिट्टी की जो अवस्थाएं हैं बर्तन आदि रूप, वो हो गई पर्याय। इसी प्रकार आप बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं, जैसे स्वर्ण है तो स्वर्ण को अपन ने मिटा करके कुंडल बना दिया, हार बना दी, अंगूठी बना दी, तो वो सब क्या है, अवस्थाएं सोने की चेंज होते जा रहे हैं, तो वो पर्याय हैं। और जो स्वर्णपना है वो क्या है, ध्रुव पदार्थ है। तो इस प्रकार से जो चेंजिबल होती है वो पर्याय होती है, जो अनचेंजिबल होती है वह ध्रुव होती है। पर जो पर्याय भी अपने द्रव्य को छोड़कर के नहीं होती है, ये ध्यान रखना, पर्याय सदा द्रव्य में ही होती है। तो इसलिए आचार्य बोल ने कहा है जो हर समय पर्याय को प्राप्त होता है, द्रवणशील जो है द्रव्य है, और जो पर्यायों को प्राप्त होता है उसे द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव्य। अभी अपन ने देखा कि जगत का प्रत्येक पदार्थ कैसा है, द्रवणशील होकर भी, अवस्थाओं को पर्यायों को परिवर्तन करता होकर भी सदा ध्रुव बना रहता है, उसलिए उसको कहते हैं द्रव्य। जैसे आत्मा है, आत्मा मनुष्य बनी, मनुष्य से देव पर्याय में गई, देव पर्याय से वो त्रिंच पर्याय में चली जाए और उस वहां से नरक चली जाए, ऐसी 84 लाख योनि में आत्मा भ्रमण करे, तो कितने रूप धारण कर लिए, कभी देव रूप, कभी मनुष्य रूप, आदि अनेक अनेक पर्यायों में उसने अवस्थाएं धारण की। लेकिन उसका चेतन्यपना तो हर समय रहा, वो चेतन्यपना जो है वह ध्रुव है। क्या है, वह ध्रुव है। तो आत्मा एक द्रव्य है जो सदा थी, सदा है और सदा ही रहेगी, उसका कभी अस्तित्व समाप्त नहीं हो सकता, जिसे किसी ने बनाया नहीं और जो कोई उसे बिगाड़ नहीं सकता है, वो ध्रुव है, वो शाश्वत है, वो नित्य है, वो हमेशा रहेगा, उसकी अवस्थाएं पर्याय जो हैं चेंज होती रहेंगी, ठीक है ना। तो संसार में इस प्रकार से जो द्रव्य है, उस द्रव्यों का कोई भी कर्ता धर्ता नहीं है, इस बात को हमें मानना
ध्यान में रखना। ऐसा मत समझना संसार को किसी ने बनाया है, जगत को किसी ने बनाया है, हम और तुमको किसी ने बनाया है। हम तुमको किसी ने भी नहीं बनाया, क्योंकि बनाएंगे तो वह ध्रुव नहीं कहला सकता, फिर वो शाश्वत नहीं कहला सकता है। द्रव्य तो अनादि अनंत है, अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगी, ठीक है ना। इसे अनादि शांत नहीं है, सादि अंत नहीं है, अनादि अनंत है। ना किसी ने बनाया और ना ही कोई इसे समाप्त कर सकता है, ठीक है। हमारी आत्मा आत्मा रूप रहे, इसमें क्या पुरुषार्थ करना है। परमाणु सदा परमाणु रूप रहे, इसमें परमाणु क्या पुरुषार्थ करे, कुछ भी नहीं। आत्मा सदा रहेगी, इसलिए आत्मा को आत्मा रूप बनाने में कोई पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ तो यह है कि जो हम अशुभ कार्य करते हैं वो शुभ करें, शुद्ध करें, इसमें हमारा पुरुषार्थ है। ये परिणमन है, ये पर्याय है। तो हर द्रव्य की पर्याय होती है, उन पर्यायों को समूह को ही हम द्रव्य कहते हैं, त्रिकालवर्ती पर्यायों के समूह को। अतीत में जितनी पर्याय हो चुकी हैं, वर्तमान में जो हैं और आगामी काल में जितनी पर्याय होंगी, उन सब पर्यायों के समूह को हम क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। पर्याय उसी में ही उठती हैं और उसी में ही क्या हो जाती है, समाप्त। जैसे लहरें नदी में उठती हैं और वो नदी में ही फिर दूसरी लहर आती है, फिर तीसरी लहर आती है और वो लहर उसी में ही क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। कोई लहर नदी से बाहर नहीं जा सकती है और चली जाए तो वो लहर नहीं कहला सकती है। तो इसी प्रकार से कोई भी पर्याय आत्मा से बाहर नहीं चली जाती है, आत्मा की पर्याय आत्मा से बाहर नहीं चली जाती है, पुद्गल की पर्याय पुद्गल से बाहर नहीं चली जाती, उसी में होती है, उसी में ही चेंजिंग होती रहती है। इसलिए यह जैन दर्शन कहता है कि जो द्रव्य हैं वो नित्यानित्य हैं, नित्य भी हैं और अनित्य भी हैं। द्रव्य दृष्टि से जो पदार्थ या द्रव्य जो है नित्य है, और पर्याय दृष्टि से जो द्रव्य है वो कैसा है, अनित्य है। इस प्रकार से इस सूत्र में हमने ये जाना कि ऊपर जो पदार्थ, जो धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल, ये चार अजीब काय कहे गए हैं, वो क्या है, द्रव्याणी, ये सभी द्रव्य हैं। नमोस्तु आचार्य श्री, द्रव्य कितने होते हैं। द्रव्य जो हैं आगम में छह बताई हैं, छह प्रकार के द्रव्य हैं। आप सब लोगों को द्रव्य संग्रह जरूर पढ़ना चाहिए। आचार्य नेमीचंद स्वामी का बहुत संक्षेप ग्रंथ है द्रव्य संग्रह, जिसमें छह द्रव्यों का बहुत सुंदर तरीके से वर्णन है। प्रारंभिक रूप से जो प्रारंभ कर रहे हैं क्लास अध्ययन आदि, उन्हें निश्चित ही द्रव्य संग्रह जरूर पढ़ना चाहिए। जब हम लोग संघ में भर्ती हुए तो हमको द्रव्य संग्रह पढ़ाई गई, हमने कहा गुरुजी ये तो हम घर में ही पढ़ के आए हुए हैं, पाठशाला में ही पढ़ ली थी, धर्म द्रव्य संग्रह, तत्वार सूत्र, इष्टोपदेश, छह डाला, ये तो बचपन में ही पढ़ लेना चाहिए और कंठस्थ कर लेना चाहिए। तो पुनः उसको गुरु मुख से पढ़ने का सौभाग्य भी मिला। तो ये द्रव्य संग्रह आप लोग जरूर पढ़ें, क्योंकि आपको छह द्रव्यों का अच्छी तरह से ज्ञान हो जाएगा, बेस तैयार हो जाएगा। अब देखिए, आपने प्रश्न किया द्रव्य कितने होते हैं, तो द्रव्य तो एक ही है, जाति की अपेक्षा इसके छह भेद हो जाते हैं। द्रव्य महासत्ता और अवान्तर सत्ता, बहुत सारे भेद हो जाते हैं। तो जाति की अपेक्षा ये कितने हैं, छह प्रकार के हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये जो हैं छह द्रव्य हैं। ये जो छह द्रव्य हैं उनके लक्षण देखिए, यहाँ स्लाइड में देखेंगे द्रव्यों के लक्षण, क्या क्या लक्षण हैं, क्योंकि लक्षण से ही लक्ष्य का ज्ञान होता है। लक्षण सही होना चाहिए तभी लक्ष्य का ज्ञान होता है। तो जो छह द्रव्य हैं उन छह द्रव्यों के लक्षण क्या क्या हैं, क्या आगम में बताया है, तो देखिए क्या लिखा है, जीव द्रव्य का लक्षण दिया है, उपयोग, उसमें भी ज्ञान उपयोग, दर्शन उपयोग, उपयोग जीव का लक्षण है, जानना
और देखना जीव का लक्षण है। यह जानना देखना जीव का कभी बंद नहीं होता है, क्योंकि लक्षण है, बंद हो जाए तो वह जीव ही नहीं कहला सकता। आप सोते हैं तो क्या जानना देखना बंद हो गया? क्या कोई व्यक्ति कोमा में चला गया तो जानना देखना बंद हो गया? कोई बेहोश हो गया तो क्या जानना देखना बंद हो गया? अथवा कोई एक इंद्रिय आदि पृथ्वी जल आदि बन गया तो क्या जानना देखना बंद हो गया? अथवा और निकृष्ट पर्याय में निगोद में चला गया तो क्या जानना देखना बंद हो गया? कभी नहीं होता है। अनादि अनंत काल तक यह जानता और देखता है। वो बात अलग है कि उसका क्षयोपशम कितना है। निगोद अवस्था में जानना देखना कम होता है, और जो सिद्ध अवस्था है वो संपूर्ण जानते और देखते हैं। तो इस प्रकार से जानने देखने का जो स्वभाव है आत्मा का, वो कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है। यह जीव का लक्षण बनता है। लक्षण ऐसा होना चाहिए वो समस्त जीव में घटित हो, और जानना देखना सब में घटित होता ही होता है। तो ये जीव का लक्षण है। क्या? उपयोग जीव का लक्षण है। ठीक है। पुद्गल, पुद्गल का क्या लक्षण बनाया यहाँ पर? जिसमें वर्ण गंध रस और स्पर्श गुण पाए जाते हैं वो पुद्गल कहलाता है। अब देखिए, संसार में जितनी भी हमको वस्तु दिख रही हैं, जो निर्जीव हैं, जो हमारे दृष्टिगोचर हो रही है, वो सभी पुद्गल हैं। अब ये पंखा, घड़ी, ये पिच्छी, माइक, ये शरीर, ये सब क्या हैं? पुद्गल हैं। जो जो आपको आँखों से दिखाई दे रहा है वह पुद्गल है, और कुछ ऐसे भी हैं जो हमको नहीं दिख रहा है वो भी पुद्गल है। जैसे कर्म वर्गणाएँ दिखती नहीं हैं पर वो पुद्गल हैं। यहाँ पर कितने परमाणु ऐसे हैं जो हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं, पर भगवान के केवल ज्ञान में वो दिखाई देते हैं। तो वो जो हैं वो सब क्या हैं? पुद्गल हैं। जो मूर्तिक है, जो रूपी है, वो पुद्गल हैं। और उस पुद्गल का लक्षण क्या बनाया? जिसमें स्पर्श रस गंध और वर्ण ये गुण पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? पुद्गल। देखिए, पुद्गल को छोड़ करके और किसी में भी स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं होता है। ध्यान रखना, जीव में भी नहीं, धर्म में नहीं, अधर्म में नहीं, आकाश में नहीं, काल में नहीं, पांच द्रव्यों में ये नहीं पाए जाते हैं, इसलिए वो सभी अमूर्तिक हैं। और स्पर्श रस गंध वर्ण सिर्फ पुद्गल में पाया जाता है, इसलिए वह रूपी है, मूर्तिक है, ये बात ध्यान रखना। ये पुद्गल का लक्षण बनाया। पुद्गल बहुत सुंदर प्रश्न है, इसको मैं आपको स्लाइड के माध्यम से बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे लिखा है पुद्गल किसे कहते हैं। पुद और गल दो शब्दों से मिलकर के पुद्गल शब्द बना हुआ है। पुद का मतलब होता है पूर्ण, और गल का मतलब होता है गलन। यहाँ देखिए लिखा है पुद मतलब पूर्ण और गल मतलब गलना। पूर्ण मतलब मिलना और गल मतलब बिछड़ना। तो मिलना, बिछड़ना, गलना, पूर्ण होना, जिसका स्वभाव है उसे पुद्गल कहते हैं। ठीक है ना। अब आपके मन में एक प्रश्न खड़ा हो रहा होगा। यहाँ देखिए लिखा हुआ है प्रश्न, यहाँ लिखा है परमाणु में पूर्ण गलन स्वभाव नहीं है, इसलिए उसे पुद्गल नहीं कह सकते। यदि आप ऐसी परिभाषा बनाते हैं तो परमाणु में तो कोई गलन पूर्ण नहीं है ना, क्योंकि मिलना और बिछुड़ना तो स्कंद का होता है। स्कंद से परमाणु मिलते हैं और बिछुड़ते हैं, लेकिन एक जो शुद्ध पुद्गल परमाणु हैं उसमें मिलना बिछुड़ना तो हो नहीं सकता है। तो आपने जैसे पूर्ण गलन ये परिभाषा बनाई हुई है, और ऐसी परिभाषा धवला में भी आई हुई है, तो फिर ये परिभाषा आपकी गलत हो जाएगी। तो आचार्य भवन ने इसका आंसर दिया हुआ है, पूर्ण गलन जो है शक्ति की अपेक्षा उपचार से ऐसा यह कहा गया है। शक्ति की अपेक्षा, शक्ति क्या? इसमें अनेक परमाणु मिलने की है और बिछुड़ने की, ऐसी शक्ति की अपेक्षा। और दूसरा पूर्ण गलन जो है गुणों की अपेक्षा, कि गुणों में भी क्या होती है? हानि वृद्धि होती है। षटगुण हानि वृद्धि जो है प्रत्येक द्रव्य में होती है, ऐसी पुद्गल द्रव्य में भी क्या होती है? षटगुण हानि वृद्धि। तो गुण अपेक्षा उसमें हानि वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से पूर्ण गलन शक्ति की अपेक्षा उपचार से किया जा सकता है, ये परिभाषा बन सकती है। तो इस प्रकार से
ये पुद्गल शब्द हुआ। अब अपन क्या देख रहे थे कि यहाँ पर स्लाइड में जो द्रव्यों के जो लक्षण हैं, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा द्रव्यों के लक्षण, इसमें अपन ने जीव का देख लिया और पुद्गल का देख लिया। अब धर्म का लक्षण क्या बनाया, तो गति हेतुत्व, जो गति में हेतु हो, कारण हो, उसे धर्म द्रव का लक्षण समझना। उसका लक्षण यही है, जो गतिमान वस्तुएं हैं जीव पुद्गल, उनको चलने में जो सहायक हो उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। और लक्षण उसका क्या बनेगा, गति हेतुत्व, गति हेतुपना जिसमें हो उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। अधर्म द्रव्य क्या है, जो गतिमान नहीं, जो ठहरे हुए हैं या ठहरना चाहते हैं, उनके लिए जो सहायक हो उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। स्थिति हेतुत्व जो है ये उसका लक्षण है। आकाश किसे कहते हैं, अवगाहन हेतुत्व, जिसमें अवगाहन हो उसे आकाश कहते हैं। जो सबको ठहरने के लिए स्थान देता हो उसे आकाश कहते हैं। नमोस्तु महर्षि। महर्षि, जो ऊपर आसमान नीला दिखाई देता है, क्या वही आकाश है? आसमान में जो हमको दिखाई दे रहा है नील, वह आकाश नहीं है, वह तो पुद्गल की पर्याय है, ठीक है ना। हमको जो दिख रहा है वो आकाश है नहीं है, वो जो दिखने वाला है वो तो पुद्गल है। आकाश तो हमको अपनी दृष्टिगोचर से दिखाई नहीं देता। ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पर आकाश ना हो, तो ध्यान रखना आकाश का नाम ही जगह, जगह को ही आकाश कहते हैं। आप जहाँ हो वहाँ भी आकाश है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर आकाश ना हो। अधोलोक हो, मध्यलोक हो, ऊर्ध्वलोक हो या लोक के बाहर हो, ये सभी जो हैं आकाश द्रव्य में रहने वाली वस्तुएं हैं। तीन लोक में पाया जाने वाला जो आकाश है उसे हम क्या कहते हैं, लोकाकाश, और इसके बाहर को कहते हैं अलोकाकाश। देखिए यहाँ लिखा है आकाश, फिर लिखा है लोकाकाश। जहाँ जहाँ जीव आदि छह द्रव्य पाए जाते हैं उसे आकाश कहते हैं। छह द्रव्यों का जहाँ अस्तित्व पाया जाता है उसे लोक आकाश, लोक वाला आकाश कहते हैं। और जहाँ पर केवल एक आकाश द्रव्य ही होती है उसे अपन कहते हैं अलोकाकाश। ये पूरा एक है, अनंत प्रदेशी है, तो ऐसा आकाश है। और इस आकाश में ही हम सब लोग यहाँ रह रहे हैं। तो आप कमरे में हो, कमरे के बाहर हो, मंदिर में हो, मकान में हो, मार्केट में हो, कहीं भी हो, सब जगह आकाश है। और ये आकाश हमारे अनुभव का विषय नहीं है, आगम से जानने का विषय तो है पर अनुभव का विषय नहीं है, और ना ही किसी इंद्रिय का विषय है। ये अनिंद्रिय अर्थात इंद्रियों से परे आत्मा के ज्ञान का विषय है, भगवान के केवल ज्ञान का विषय है, जिसके माध्यम से इस अमूर्त तत्व को जाना और देखा जा सकता है। लेकिन इन चर्म आँखों से, इन चक्षुओं से आकाश को देखा नहीं जा सकता। हमारे शरीर के अंदर भी आकाश है, शरीर के बाहर भी आकाश है, ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहाँ पर आकाश ना हो, इस प्रकार से ये आकाश जानना। अब देखिए जो अपन पढ़ रहे थे द्रव्यों के लक्षण में एक लक्षण रह गया है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है काल द्रव्य। काल द्रव्य के बारे में क्या लिखा हुआ है, जो वर्तना हेतुत्व जिसका लक्षण है। क्या लिखा है काल द्रव्य में, वर्तना हेतुत्व, इसका वर्तन, वर्तना परावर्तन परिवर्तन प्रति समय जिसका लक्षण हो उसे काल द्रव्य कहते हैं। ये समस्त द्रव्यों में परिणमन में कारण बनता है, अपनी द्रव्य में भी, अपने भी स्वयं परिणमन में कारण बनता है और पर द्रव्य के परिणमन में भी यह कारण बनता है, जिसे काल द्रव्य कहते हैं। प्रति समय जो सूक्ष्म परिणमन है उसे वर्तना कहते हैं, और वर्तना जिसका लक्षण हो वो काल द्रव्य कहलाता है। इस प्रकार से हम सब ने आज ये द्रव्याणी नाम का जो सूत्र है ये पढ़ा, द्रव्य कितनी छह होती हैं और छहों के लक्षण के बारे में भी जाना। अब आगे जो शेष विषय है तत्वाश्रुति का पंचम अध्याय का, वो अपन आगे पढ़ेंगे। आज स्वाध्याय को यहीं संपन्न करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूजे लोकालोक,
शोभाणी मस्तक धरूं सदा देत हो दो, हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेंद्र। हमारे पास तत्वार सूत्र के प्रथम अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी है, जिसमें चित्रों और स्लाइडों के माध्यम से सरलीकरण करके अर्थ समझाया हुआ है, जो आचार्य श्री के श्रीमुख से समझाया गया है। और जो भी महानुभाव इस तत्वार सूत्र की प्रथम अध्याय की पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं एवं द्वितीय एवं तृतीय अध्याय की पुस्तकों को छपवाना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। एवं जो भी पुण्यार्जक बनना चाहते हैं वो भी नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।